हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज हम घर पे बनाने जा रहे हैं टमाटो केचप, क्योंकि आजकल टमाटरों का सीज़न है और बहुत ही सस्ते अवेलेबल हैं ये मार्केट में, और रमज़ान आने वाला है तो सभी की ये कोशिश है कि टमाटो केचप जो है वो घर पर ही बनाकर स्टोर कर लिया जाए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऑथेंटिक और सही तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे बिल्कुल परफेक्ट बाजार वाला जो है वो टमाटो केचप बनने वाला है। सबसे पहले तो जितनी मिकदार बताई जाए आपने उतनी ही फॉलो करनी है। 3 kg टोमेटो केचप के लिए मैं बता रही हूँ ये मिकदार। 3 kg जो है वो आपने टमाटर लेने हैं। उसके बाद आपने उन टमाटरों का जितना वॉश करके और उनको 4 pieces में कट कर लेना है, जिस तरह ये सारे कट किए जा रहे हैं। कट करने के बाद आप लोगों ने इनको कुकर प्रेशर के अंदर डाल देना है, और उसके बाद आपने सिर्फ 4 ingredients इसके अंदर ऐड करने हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करने। सबसे पहले तो 1 cup water इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर गार्लिक ऐड करना है। अगर फार्मी है वो थोड़ा मोटा होता है, 6 से 5 cloves डालें, और अगर छोटे वाला है तो 10 से 15 cloves इनफ है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। उसके बाद 1 tablespoon नमक इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर 4th ingredient सिरका जाएगा 1/2 cup बस, और कुछ आपने इसके अंदर अभी नहीं डालना। उसके बाद आपने कुकर प्रेशर को कवर कर देना और उसको हाई फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देना, ताकि हमारे सारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ और फिर हम अपना इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें। और जब इसका वेट वाइब्रेट करना स्टार्ट करे, यानी कुकर प्रेशर की सीटी बज जाए, तो उसके बाद 8 minutes आपने इसको देना है। 8 minutes आपने इसको वैसे ही कवर ढक्कन के साथ रखना है, उसके बाद आपने इसको खोलना है। अब देखें बिल्कुल टमाटर जो है वो हमारे गल चुके हैं। अब आपने इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देना है, और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है, इसको पहले ठंडा करना है अच्छी तरह, उसके बाद आप लोगों ने इसको ग्राइंड करना है। तो अब हमारे टमाटर का मिक्सर जो है वो तकरीबन ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे किसी जग में ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहें तो इसे जूसर वाली मशीन में भी ग्राइंड कर सकते हैं। हम इसे फ़िलहाल हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड करने लगे हैं, उससे भी ये इजीली ग्राइंड हो जाता है। आप लोगों ने इसको ग्राइंड करना चाहे आप किसी भी मेथड से ग्राइंड करें। तो अब हमने इसको जग में डाल लिया है, और अब हम इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए। तो ग्राइंड करने के बाद भी इसके अंदर पल्प और सीड्स मौजूद होते हैं, जो हम नहीं चाहिए होते अपने केचप के अंदर, और वो अच्छे भी नहीं लगते। तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह सीव कर लेना है। ये देखें, अब जो भी पल्प सारा हमने ग्राइंड किया था उसको हम सीव कर रहे हैं। तो ये देखें कि उसमें से बीज और जो पल्प है थोड़ा सा वो सेपरेट हो रहा है, और बिल्कुल एक प्योर मिक्सचर हमारे पास आ रहा है। आप इजीली इसके अंदर जो है वो उसके टमाटरों के बीज देख सकते हैं, और उसके जो छिलके होते हैं वो सारे सेपरेट हो गए हैं, और ये बिल्कुल प्योर मिक्सर जो है वो हमारे पास आ गया। अच्छा जी, तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डलेंगे, जिसमें चीनी है, सोडियम बेंजोएट, रेड चिली पाउडर, CMC पाउडर, टार्ट्री और रेड फूड कलर है। सिर्फ यही वाले इंग्रेडिएंट्स है जो इसके अंदर डलेंगे, और जो एग्जैक्ट मिकदार आपको इसमें बताई जाए आपने उतनी ही डालनी है, तभी आपका केचप बिल्कुल ठीक बनेगा। सबसे पहले हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी, 3 kg टमाटर हमने लिए हैं तो उसके अंदर 3 g चीनी डलेगी। ना इससे ज़्यादा डालनी है ना इससे कम डालनी है। अगर आपके टमाटर कम है तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी के बाद जो है वो हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे, लाल मिर्चें डलेंगी, और वो 1.5 tablespoons डलेंगी इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर सोडियम बेंजोएट डालेंगे। अगर आप इसके अंदर सिर्फ सिरका डालते हैं तो आप इसको फ्रिज में 1 month के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप सिरका और टार्टरी डालते हैं तो आप इसको 1.5 to 2 months तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोडियम बेंजोएट इसको इसके अंदर ऐड करते हैं, 1/2 teaspoon इसके अंदर जाएगा, तो इसकी जो लाइफ है वो 6 months तक इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे CMC पाउडर 1 teaspoon। CMC पाउडर इसको गाढ़ा करता है, इसके अंदर एक थिकनेस लेके आता है। इन सबको आपने अच्छी तरह जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो टार्टरी इसके अंदर डलेगी। टार्टरी आपने बिल्कुल थोड़ी सी 1 pinch टार्टरी जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है, और इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है। आप लोगों ने अब इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अब ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर रेड फूड कलर डालेंगे, ठीक है।
फूड कलर जो है वो इसके अंदर डलता ही है, क्योंकि वैसे टमाटर जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज सा इसका कलर होता है। अगर आपने बिल्कुल इसको कमर्शियल लेवल का कलर देना है जैसे मार्केट में होता है, तो इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, और जितना आपने इसको रेड करना है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से आप इसके अंदर रेड कलर ऐड करते जाएँ, थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड करते जाएँ और साथ साथ इसको पकाते जाएँ ताकि ये गाढ़ा हो जाए। जब इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो ये समझे ऑलमोस्ट डन है। अब देखें इसके अंदर कितने बबल्स बन रहे हैं और ये गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा भी होता है, इस वजह से हम इसको बस इतना ही रखेंगे और अब इसको हम ठंडा करेंगे अच्छी तरह, और उसके बाद इसको स्टोर कर लेंगे। अब जी हमारा केचप बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, कलर आप लोग देख सकते हैं और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जो आपके घर में जार मौजूद हैं आप उनके अंदर इसको स्टोर कर लें। आप इजीली इसको 6 महीने से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। 6 महीने तो ये फ्रिज से बाहर भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। बहुत ही इजी और परफेक्ट रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हैं, और मार्केट से ख़रीदने के बजाय घर में अपनी आंखों के सामने केचप रेडी करें। वैसे भी आजकल लॉकडाउन है, वेले बैठे हैं, तो घर में अपना केचप बनाएं और सारे रमज़ान जो है उसको इंजॉय करें। तो अब जो है तकरीबन 3 बॉटल्स हमारी इससे 3 किलो टमाटरों से भर जाएंगे, ठीक है, और ये हम अब स्टोर कर लेंगे और 6 महीने साल तक ये कहीं नहीं जाता। हमारा केचप तो रेडी है, आप लोग भी अपना केचप घर पे रेडी करें और कमेंट में मुझसे शेयर करें कि कैसा बना। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल विर्गो वैनिटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय, और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।